वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुर्गी कम अंडा दे रही है उसको कैसे बढ़ाया जाए, यानी अगर मुर्गी आपके कम अंडा दे रही है तो उसके पीछे कारण क्या है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहला और सबसे मेन जो कारण है जिसकी वजह से मुर्गी कम अंडा देती है या फिर अंडा छोटा देती है या फिर दोस्तों कभी कभी आप देखे होंगे कि मुर्गी खुद का अंडा खुद ही खा लेती है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है दोस्तों मुर्गी के बॉडी में कैल्शियम के कमी हो जाना। तो ये जो प्रॉब्लम है ये दोस्तों ज़्यादातर दिखता है छोटे लेवल का फार्मर जो है, यानी जो कम मुर्गी पालन कर रहे हैं और अपने मुर्गी के लिए जो दाना तैयार करते हैं वो घर में ही करते हैं, यानी कोई भी बाजार से वो फीड खरीद के नहीं लाते हैं। जैसे लेयर में इसका जो फीड बाजार में मिलता है अंडा देने वाली मुर्गी के लिए वो दोस्तों वो नहीं खिलाते हैं, तो उनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम दिखता है। तो ऐसे में आप अपने मुर्गी का जो प्रोडक्शन है यानी एक प्रोडक्शन उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपको मिनरल मिक्सचर जो है अपने मुर्गी के डाइट में शामिल कराना है। मिनरल मिक्सचर दोस्तों आप अपने वेटनरी शॉप पे अगर जाके पूछोगे तो वो आपको बहुत इजीली उपलब्ध करा देंगे। ये किसी भी ब्रांड का हो सकता है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मिनरल मिक्सचर ले आए, और ये बेसिकली जो है पाउडर फॉर्म में मिलता है। तो अगर हम लोग इसको अपने मुर्गी के डाइट में शामिल करते हैं तो ये कैसे बेनिफिट्स देगा हमारी मुर्गी को। सबसे पहले मिनरल मिक्सचर में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है मुर्गी के लेयर मुर्गी के लिए, खास करके एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उसके बाद दोस्तों कैल्शियम के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, ऐसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल है जो कि एक लेयर मुर्गी के लिए इम्पॉर्टेंट है और एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसको हम लोगों को इस्तेमाल कैसे करना है हमारे मुर्गी में। तो इसको हम लोग दो प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग इसमें फीड में मिला के अपने मुर्गी को खिला सकते हैं, यानी आप फीड जो भी घर में फीड बनाए हैं उसी फीड में आपको मिनरल मिक्सचर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो है पानी में भी मिला के इसको खिला सकते हैं। तो जो रिकमेंडेड डोज है वो है दोस्तों 100 बर्ड्स के लिए हम बता रहे हैं आपको, अगर आपके पास 100 मुर्गी है तो आप 20 ग्राम करके डेली इस्तेमाल करें अपनी मुर्गी में, यानी 100 मुर्गी के लिए 20 ग्राम आप फीड में मिला सकते हैं। जो घर में आप फीड बनाए उस फीड में अच्छे से मिला के एक दिन में जितना भी फीड खिलाते हैं फिर उस फीड को आपको खिलाना है, या फिर दोस्तों आप पानी में भी मिला सकते हैं। 2-3 घंटे के पानी में आप मिनरल मिक्सचर को ऐड कर दिए, मिला दिए, फिर दोस्तों आप मुर्गी को पिला के फिर पानी को चेंज कर दिए, जो नॉर्मल पानी है वो फिर आप दे सकते हैं। तो ऐसे करके जो है आप अपनी मुर्गी को खिला सकते हैं, खास करके जब आपके मुर्गी एक प्रोडक्शन में आ रही है तो उसके कुछ दिन पहले से अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि फिर मुर्गी जल्दी एक प्रोडक्शन में आती है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ अगर हम लोग मिनरल मिक्सचर खिलाएंगे तो उससे हमारी मुर्गी ज़्यादा अंडा नहीं देगी। इसके साथ साथ दोस्तों हमें मुर्गी को कम से कम एक दिन में 16 घंटे का लाइट का ज़रूरत है, यानी 16 आवर्स हम लोग को एक दिन में लाइट देना पड़ेगा मुर्गी को जो लेयर बर्ड्स है उसको, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों जो बायो सिक्योरिटी है फार्म में वो आपको मेंटेन करना है ताकि कोई भी मुर्गी किसी भी तरह से कोई बीमार ना पड़े और एक प्रोडक्शन को कम ना कर दे। फिर दोस्तों हमारे मुर्गी का जो बॉडी वेट है यानी जो लेयर बर्ड्स है उसका बॉडी वेट को आपको मेंटेन करना है। ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा, अगर सपोज अगर मुर्गी का वजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है तो उस दौरान मुर्गी के बॉडी में चर्बी बन जाता है, ठीक है, फैट बन जाता है, जिसके वजह से मुर्गी एक प्रोडक्शन कम करती है। तो आपको उस मुर्गी का जो वज़न है उसको आपको कम से कम 1200 से लेकर 1300 के ग्राम के आसपास ही मेंटेन करना है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी और पर प्रेस कर लेना ताकि मैं फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों मिलेंगे।